भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। ...2018 में अगर किसी ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में दिया है तो वो है भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने। जी हाँ, आपको बता दें कि 2018 के बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा सुपरहिट डुपर हिट फिल्में देने वाले में से पवन सिंह का नाम सबसे ऊपर है और उनकी फिल्मों का इंतजार भोजपुरी दर्शक हमेशा करते हैं और उनकी फिल्मों को हमेशा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। इसी कड़ी में सुपरस्टार पवन सिंह का एक और नया फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह के नई फिल्म का नाम है नो एंट्री। आपको बता दें कि नो एंट्री हालांकि बॉलीवुड में सलमान खान और अनिल कपूर की फिल्म है और इसका भोजपुरिया वर्जन भोजपुरी में नो एंट्री में पवन सिंह भोजपुरिया दर्शकों को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि नो एंट्री की शूटिंग जल्द ही शुरू किया जाएगा और एक बार फिर से नो एंट्री को निर्देशित करेंगे पवन सिंह के सबसे चहेते डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह। जी हां, आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह और सुजीत कुमार सिंह की जोड़ी ने भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर कई सुपर डुपर हिट फिल्मों का निर्देशन किया है, जैसे कि भोजपुरिया राजा, सत्या, धड़कन, वांटेड जैसे सुपर डुपर हिट फिल्मों का निर्देशन से भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई किया है। अब नो एंट्री में एक बार फिर से सुपरस्टार पवन सिंह और सुजीत कुमार सिंह की जोड़ी भोजपुरिया दर्शक देखेंगे। हालांकि आपको बता दें कि नो एंट्री में कौन सी एक्ट्रेस काम करेगी यह अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही नो एंट्री में कौन सी एक्ट्रेस काम करेगी इसका खुलासा हो जाएगा। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।